बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक सर्किट। इसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है पैरामीटर्स, जो हमें मैग्नेटोमोटिव फोर्स के पैरामीटर हैं वो मालूम करने हैं, और एक हमारे पास एक ग्राफ मौजूद है जिसे हमने आज रीड करना सीखना है। पहले देखते हैं कि हम ग्राफ को कैसे रीड कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि एक कास्ट स्टील है जिसका क्रॉस सेक्शनल है 600 मिलीमीटर स्क्वायर, और रेडियस हमारे पास गिवन है 25 मिलीमीटर। मैग्नेटोमोटिव फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है, जिसके अंदर 0.8 मिली वेबर हमें फ्लक्स गिवन है, और BH कर्व यूज़ करते हुए हमने यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ निकालनी है H। पार्ट बी के अंदर हमें गिवन है कि एक रेडियल एयर गैप है। रेडियल मीन होता है हमारे पास फोर, सपोज हम आर्क जैसे ड्रॉ करते हैं इस शेप का, तो ये जो हमारे पास इस टाइप का है ये हमारे पास रेडियल कहलाता है, ठीक है, जिस जो हमारे पास है 1.5 मिलीमीटर वाइड है, जो कि चौड़ा है, इतना वो चौड़ा है। फाइंड द मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, इसके अंदर भी हमने फोर्स मालूम करनी है, और इस कंडीशन में जो हमें कहा गया है ये अहम कंडीशन है, इसे हमने दिमाग में रखते हुए अपना काम करना है। नाउ नेसेसरी टू मेंटेन द सेम फ्लक्स इन द रिंग, क्या कहा गया है कि जो हमें सेम फ्लक्स रखना है रिंग के अंदर, जो हमारे पास पूरी की पूरी रिंग के अंदर जो फ्लक्स मौजूद होगा हमने उसको मेंटेन करना है जब हमारे पास जो रिंग है ब्रेक हो जाए, पीछे एयर गैप आ जाए बीच में, ठीक है। सारे डेटा हमने सबसे पहले बना लेते हैं। एरिया हमने लिख लिया, रेडियस लिख लिया, फाई लिख लिया। अब हमने निकालना है एच। एच कैसे लिखेंगे, अब एच को देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले देखना है कि मटेरियल कौन सा, कास्ट स्टील। जब कास्ट स्टील है हमारे पास, तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि कास्ट स्टील वाली लाइन कौन सी है। जो सबसे ऊपर वाली लाइन जो है हमारे पास, ये वाली लाइन, ये कास्ट स्टील की है, और यहाँ से हमने देखा कि कटिंग करते हुए यहाँ पे आ गई है, ठीक है, नीचे वाली लाइन। अब हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पे फ्लक्स हमारे पास गिवन था, फ्लक्स से हमें निकालना है स्ट्रेंथ, फ्लक्स डेंसिटी निकालनी है बी। बी कैसे निकालेंगे, फ्लक्स हमारे पास होता है बी डॉट ए, एरिया हमें पता है और फ्लक्स हमें पता है, तो हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रही बी। देन देखते हैं हमारे पास क्या, ये 1.33। अब 1.33 को मार्क कर लेते हैं पहले। 1.3 को मार्क करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास 1.2 है, एंड देन ये वाली हमारे पास 1.3, और 1.33 से मतलब थोड़ा सा बियॉन्ड ऊपर। लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कि जो मीट कर रही है लाइन वो हमारी 1.33 है, ठीक है। हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन पे काम करते हैं, यहाँ पे हम एक्चुअल वैल्यू नहीं बता पाते बिल्कुल। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम एक्चुअल वैल्यू बता देते हैं कि स्ट्रेंथ की वैल्यू कितनी है। चलिए देखते हैं हम अपना भागे, अब एच कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये वाली वो लाइन है परपेंडिकुलर के अंदर, और देन एक चीज़ यहाँ पे, और जो लाइन आ रही है वो आप देखें कि कौन सी आ रही है, 1.3 पर टच कौन सी कर रही है, ये वाला पॉइंट टच कर रहा है। अब इसको मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ, हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो ये पॉइंट आ गया हमारे पास, जिसे अगर हम परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर दें हल्का सा इस बॉक्स से ड्यूरिंग, तो देखें ये हमारे पास बॉक्स है, फुल बॉक्स है, और इसको अगर मैं हाफ़ करूँ तो ये कहाँ से हाफ़ होगा, वो यहाँ से हाफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ़ करने का मतलब ये है कि एक बॉक्स हमारे पास 500 प्रोवाइड कर रहा है गैप डिस्टेंस, अगर मैं इसको डिवाइड बाई 2 कर दूँगा तो मेरे पास 250 डिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो 250 से हमारे पास कम है, हम इसको सपोज कर लेते हैं 200। जब हमने इसको 200 सपोज कर लिया है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास किस पॉइंट पर ये लाया कर रहा है। हमने देखा कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, 1500 के बराबर में हम
200 और प्लस कर लेते हैं तो ये हमारे पास 1700 स्ट्रेंथ आ गई हमारे पास एच। ठीक है, तो हमने ग्राफ की मदद से अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट कर ली ग्लास स्टील की। अब हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। अब हम जानते हैं कि रिंग है हमारे पास, रिंग होती है हमारे पास कुछ इस तरह की। ठीक है, रिंग एक तरह से हमारे पास एक सर्किल है, तो सर्किल के लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। हमें रेडियस हमारे पास है पाई कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है हमारे पास। हमने वैल्यू पुट की जस्ट और एल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और आप ये एक फार्मूला है जो कि आपने माइंड में रखना है, दो फार्मूले हैं एफ के हमारे पास, एफ इज इक्वल टू एच एल और एफ इज इक्वल टू एन आई। अब ये फार्मूले हमने कब और कहाँ यूज़ करने, जब आपको क्वेश्चन के अंदर एच गिवन हो जाए तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, और जब आपके पास नंबर ऑफ टर्न मौजूद हो तो आपने एफ इज इक्वल टू एन आई वाला फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे जो ये हमारे पास है लेंथ, ठीक है, ये सिंपल इसको ऐसे डिनोट कर लें, ये हमारे पास है लेंथ एच एल। एच हमारे पास आ गया 1700 और हमने लेंथ निकाल ली है। जस्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास एफ वन आ जाएगा, हमने इसको नाम दे दिया F1 का अपनी आसानी के लिए। देन अब हम जा सेकंड हमारे पास पार्ट था कि हमने निकालनी है गैप के लिए मैग्नेटो फोर्स। अब वो कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला यूज़ करना है हमने दोबारा, F इज इक्वल टू एच एल का एच आई का सॉरी एच एल। ये दो बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि सबको पता होना चाहिए, बी अपॉन एच इज इक्वल टू म्यू और म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। जब हम लोग इस म्यू को और इस म्यू को कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास ये फार्मूला जनरेट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो एयर की रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो वन के बराबर होती है, तो वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की है तो हमारे पास बी अपॉन एच इज इक्वल टू म्यू नॉट हमारे पास आ गया। अब हमें बी पता है और म्यू नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास 4πε-7 होती है, तो जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट की है हमारे पास एच आ गया। अब एच आ गया तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, एफ इज इक्वल टू एच एल का, जस्ट हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट की है और आंसर आ गया। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो रेडियल लेंथ है वो हमारे पास क्या है, रेडियल की लेंथ है जो कि इतनी चौड़ी है, ये हमारे पास लेंथ आ गई थी, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एफ टू आ गया। अब जो थर्ड कंडीशन थी जो के सबसे लास्ट में लिखी हुई थी, नाउ नेसेसरी टू मेंटेन द सेम फ्लक्स, के हमने मेंटेन करना है सेम फ्लक्स हो इन द रिंग, तो हमें क्या करना होगा, जस्ट ऐड एफ वन एंड एफ टू, जिससे हमें पता चल जाएगा कि सेम फ्लक्स होगा उस रिंग के अंदर वो कितना होगा। तो हमने सिंपल से ऐड कर दिया, सब ऐड किया है और हमारे पास आंसर आ गया एफ इज इक्वल टू 1800 1854.36 m। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर कोई पार्ट क्लियर ना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।